Full power. Full power. All you talented people in the house, full power. Full power guys, मैं हूँ राजेश कवा और एक बार फिर से लेकर आया हूँ कुछ अलग, कुछ नया. नया तो होना ही चाहिए जीवन में, परिवर्तन बहुत जरूरी है, लेकिन ये बड़ा वाला परिवर्तन, बेहतरीन परिवर्तन. जी हाँ, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री भी तो बड़ी हो रही है. यस, वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी की सीरीज को आपने इतना प्यार दिया, इतना चाहा, इतना सराहा, तो अब तो बात बनती है कुछ और बड़ा किया है. और बड़ा मेरे लिहाज से बड़ा ऐसा होता है जो कुछ खाया और दांतों में फंस गया, निकाल दिया ना, ऐसा ना. ऐसा कुछ बड़ा खाओ जिससे डकार आए. और डकार के लिए सबसे जबरदस्त चीज ना मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये शो. शो का नाम है वॉइस इंडस्ट्री का कहर. यस, फिल्मी नाम है ना. लेकिन ये सस्पेंस है आपके लिए कि ये कलाकार कौन है, लेकिन फिर भी तालियां आ गई, इन हाउस तालियां. वॉइस इंडस्ट्री का कहर इस शो का नाम. और इस शो में फर्स्ट एपिसोड में कहर बरपाने आए हैं हमारे साथ KGF 2 की टीम, फुल पावर टीम, जो पर्दे के पीछे रही है, पर्दे के पीछे धमाल करके आपको इतना जबरदस्त मनोरंजन दिया है. तो मैं मिलाना चाहूंगा आप लोगों को KGF की जबरदस्त कोर डबिंग टीम से रूबरू. तो स्वागत है आप सभी का. थैंक यू राजेश. वॉइस इंडस्ट्री के कहर के पहले एपिसोड में थैंक यू सो मच पहले तो आपको कि आप लोग यहाँ आए, आपने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया, इतनी बिजी लाइफ से वक्त निकाल के यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. शगुफ्ता बेग जी, सबीना मलिक और मौसम जी, समय ठक्कर, समय राज ठक्कर जी और मनोरंजन जी, और हमारे साथ हैं हमारे यश खुद यानी कि सचिन गोले. थैंक यू सो मच. तो अंदर वो मेंढक और फेफड़े और सब खुदा करें कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल खुदा कर रहा है, मजा अच्छा लग रहा है, पूरा बुखार अभी तक बरकरार है. यस यस. तो पहले मैं एक 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 करके सबको पूछना चाहूंगा. शुरुआत करते हैं लेडीज फर्स्ट. बिल्कुल बिल्कुल. मेरे ख्याल से हमारे हीरो को भी कोई एतराज नहीं होगा, है ना? तो हम बहुत ही, मेरे पास ना एक बहुत उत्सुकता वाला है, जो फुदकता हुआ एक सवाल है हमारी अदाकार मौसम जी के लिए यानी कि सबीना मलिक जी के लिए. वो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं आज सुबह नहा रहा था तो मैंने सोचा क्या करूँगा, कैसे करूँगा कुछ, तो कुछ अलग चीज़ सूझी मुझे मौसम जी के लिए. और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है हर एक प्रोड्यूसर के लिए, मैं तो कहूँगा हर एक साउथ की फिल्म के प्रोड्यूसर के लिए बेहतरीन सवाल है. सवाल ये है कि आप जब डबिंग करती हैं हीरोइन के लिए, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त करती हैं, एक नंबर, सालों से करती आ रही है, फुल पावर डबिंग करती है, लेकिन जब से आपने माँ की डबिंग शुरू की है, जो कहर बरसाया है आपने, बाहुबली को बाहुबली आपने बनाया है, रम्या जी को डब किया है इन्होंने, मेरा शासन ही मेरा वचन है. इनका काम है, हम नहीं बोल पाएंगे. मनोरंजन जी, और अब आपने मतलब अद्भुत अंगारे बरसा दिए. KGF की माँ, मतलब ये यश की माँ, मतलब कैसे ये मैं पूछना चाहूंगा, प्लीज बताइए कि ये मैजिक ऐसे कैसे. अभी तो साउथ वाले सब डब करने के लिए ढूंढ रहे हैं कि हमारे हीरो की माँ तो मौसम जी डब करेंगी तो ही हम करोड़ों कमाएंगे. जैसे एक जमाने में निरूपा रॉय जी हुआ करती थी जी, मतलब बच्चन की माँ, बच्चन साहब की, सॉरी, बच्चन साहब की माँ, विनोद खन्ना की, हर मतलब बड़े बड़े सुपरस्टार्स की मम्मी, तो उसी तरह साउथ के सारे सुपरस्टार्स. बिल्कुल. तो प्लीज जवाब दीजिए तोल मोल के, समझ के, दिल खोल के. थैंक यू राजू जी. सबसे पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं आपके इस नए शो के लिए, और हम दुआ करेंगे कि बहुत चले
पुराने शो की तरह इसमें भी आपको काफ़ी सफलता मिले। तो शुरुआत जब हमने की थी डबिंग इंडस्ट्री में, जब हम सब आए थे तो सब चाहते हैं कि लीड कैरेक्टर के लिए आवाज़ दे जी। तो काफ़ी हीरोइंस के लिए डब किया, कई साल हो गए। फिर जब बाहुबली का ऑडिशन हुआ तो मैंने दोनों कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था जी, राम्या के लिए भी और अनुष्का के लिए भी। और मुझे कुछ दिन के बाद फ़ोन भी आया कि दोनों के लिए आपकी आवाज़ हमें ठीक लग रही है, लेकिन देखते हैं किस पे जाती है या फैसला क्या होता है। तो मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि अनुष्का ही हीरोइन है और उसके लिए मैंने पहले अरुंधति और रुद्रमा देवी इस तरह की काफ़ी फिल्में की भी थी। राम्या जी के लिए भी मैंने काफ़ी डबिंग की थी, लेकिन हीरोइन ये थी तो नेचुरली हम सब समझते हैं इस बात को। तो फिर उन्होंने सिलेक्ट किया शिवगामी के लिए। तो जब हम डबिंग कर रहे थे, ऑडिशन तो समय जी के स्टूडियो में ही हुए थे, बिल्कुल बाहुबली के जी, हाँ। तो जब डबिंग कर रहे थे तब भी हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी बड़ी फिल्म होगी या ये कैरेक्टर इतना लोगों को पसंद आएगा। खैर बाद में तो सबको पता ही है कि फिल्म ही बहुत अच्छी रही, सबके कैरेक्टर्स सबको पसंद आए। फिर KGF के लिए भी मैंने ऑडिशन दिया था, जो रिपोर्टर है शुरुआत में जो आती है, तो उसका तो ऑडिशन हुआ नहीं अप्रूव, वो मालविका जी ने किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। फिर मुझे पता चला कि यश जी ने खुद कहा अपनी टीम को कि मुझे वो मदर चाहिए जो बाहुबली में थी, देखा शिवगामी। ये वो पॉइंट है जो मैंने अनजाने में कह दिया कि प्रोड्यूसर ढूंढ रहे हैं। प्रोड्यूसर क्या, यहाँ तो बड़े बड़े सुपरस्टार ढूंढ रहे कि मेरी मम्मी के लिए ये डब करेंगे, मतलब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। सच में तो राजू जी, ये सच में बहुत बड़ी बात थी, मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने खुद इस तरह से, और ये बाहुबली से ये जो KGF का सफर, उसमें भी मदर, इसमें भी मदर, और दोनों कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग भी थे लेकिन अलग अलग भी थे। बाहुबली की मदर स्ट्रॉन्ग थी लेकिन काफी अलग थी, ये मदर भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये काफी अलग है। और मैं माफ करना आपकी बात काटना चाहूंगा, बहुत बड़ी बात जो है वो मैं बताता हूँ कि बाहुबली में जो आपने कैरेक्टर किया उसका चयन जो करने वाले थे वो खुद राजा मौली सर। सोचिए, इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था और आई थिंक हीरोइन से, सॉरी टू से, बट इट वाज अ बेटर पावरफुल कैरेक्टर जो कि उन इनको एफिशिएंट समझा इतना कि ये कैरेक्टर राजा मौली सर थे। एक्चुअली वो हर छोटे छोटे कैरेक्टर्स वो सिलेक्ट करते हैं, ये सच्चाई है। मतलब मैं अंडरलाइन करके कहना चाहूंगा, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल मैं अंडरलाइन, राजा मौली सर इज अ लाइक लेजेंड इंडिया के, कोई उनके सामने नाम लेना मुश्किल है आज की तारीख में। तो मैं अंडरलाइन करके कहना चाहूंगा कि मौसम जी ने हीरो के मम्मी को यानी कि मदर का डब करके वो सारे प्रोड्यूसर्स की मदर इंडिया बन गई। मतलब वो चाहते हैं कि क्या बात है, अद्भुत, ये बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी। थैंक यू राजू जी, और मुझे सच में बहुत मजा आया, वो एक अलग टाइप का कैरेक्टर था, और KGF की मदर भी बहुत बढ़िया कैरेक्टर। मैं वही कहना चाह रहा था कि इसमें यंग है, जब भी वो छोटा है बच्चा तभी उनकी माँ का किरदार आता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्या अनुभव रहा, क्या वॉइस टेक्सचर को लेकर ये क्या? मैं जब शुरुआत में ही गई थी डबिंग के लिए फर्स्ट डे, तब उन्होंने कहा था कि हीरो की मदर है, तो आपके दिमाग में एक इमेज होती है कि मदर है तो थोड़ा सा बेस वॉइस करोगे या मैच्योर कैरेक्टर है, समझदार होगी वैसे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये यश जी की मदर है लेकिन बचपन में ही वो गुजर जाती है, तो 25-26 साल की उम्र है। तो फिर हमने एक दो टेक देके वॉइस डिसाइड की, और जैसे डायरेक्टर बहुत अच्छे सुलझे हुए थे लोग वहाँ पे, तो उन्होंने वॉइस डिसाइड की, फिर उसी को हमने कंटिन्यू किया और उसी वॉइस में। बढ़िया बढ़िया। और एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं, ये जो पर्सनली फील करता हूँ, इसके पीछे कोई मजाक नहीं है, कि इनकी आवाज़ में ना अपनापन है, और जब वो कैरेक्टर, जब इनकी आवाज़ किसी माँ पर जाए तो फिर तो बहुत ही अपनापन महसूस होता है। तो वाकई ये फुल पावर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। थैंक यू राजू जी। तो आपने तो अपना पक्ष 100% सही दिया और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, शगुफ्ता जी की तरफ आता हूँ मैं। शगुफ्ता जी, आपने हीरोइन डब किया है, उन अदाकारा का नाम क्या, शेट्टी, श्रीनिधि शेट्टी। तो मैं सच कहूं कि मैंने उनकी पहले कभी कोई फिल्म देखी नहीं थी, तो मैंने उनको स्क्रीन पे कभी देखा नहीं था, जब से KGF देखा है तभी से उनको देखते आ रहा हूं। आपका जो डबिंग का अनुभव है हीरोइन को, क्योंकि आपने बहुत सारी एक्ट्रेसेस को डब किया है, आपने मतलब नाम लेना बाकी रहता है, बहुत सारी एक्ट्रेसेस को डब किया है, साउथ की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस,
तो इनको जब डब किया तो क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ी? और जबकि मैं कहना चाहूंगा कि बाकी टीम, आप सबको पता है कि पहली फिल्म में किसी और वॉइस एक्ट्रेस ने डब किया था, हाँ, तो अभी सेकंड में शगुफ्ता जी ने क्या चीज, क्योंकि ये वो क्या होता है कि चलती गाड़ी में चढ़ना होता है, लोगों ने फिल्म देख चुकी है, लोगों मतलब कान में वो आवाज जा चुकी है, फिर सेकंड फिल्म में उसी अदाकारा को डब करना बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है, कंधे पे बहुत बड़ा वजन होता है, तो वो कैसे आपने टैकल किया, क्या पॉइंटर्स ध्यान में रखे? तो पहले तो ये हुआ था कि मेरा एक ऑडिशन का जो एक प्रोसेस जो होती है जी। तो वो बहुत ही मैं कहूँगी ऐसे कहते हैं ना किस्मत में जो चीज़ लिखी होती है वो आपको मिलनी होती है, तो बहुत ही बहुत सीरियसली भी ना करें आप, ऐसा नहीं सीरियसली नहीं करते हो लेकिन उस चीज़ को शायद आपको पता नहीं होता है कि ये हो भी जाएगा। तो मेरा जो ऑडिशन जो लाइंस मुझे भेजनी थी, मैं बाकायदा वहाँ नहीं गई थी, पर मुझे मोबाइल पे कुछ लाइंस मनोरंजन जो है जिन्होंने इस फिल्म की डबिंग जो है करवाई है, तो इन्होंने मुझे कुछ लाइंस भेजी और कहा कि ये अपने मोबाइल पे भी, आप कोई ज़रूरी नहीं है स्टूडियो से ही आप भेजिए, मोबाइल पे रिकॉर्ड करके ये लाइंस भेज दीजिए। और मुझे नहीं पता था ये किस फिल्म के लिए है या किस चीज़ के लिए, इतनी बड़ी फिल्म के लिए जी। तो मैंने अपने हिसाब से समझ के जो एक आर्टिस्ट अपने जहन में रखता है एक चीज़, आर्टिस्ट की एक सोच होती है, एक समझ होती है किरदार को जानने की, बिल्कुल। तो मैंने उस लिहाज से उसे रिकॉर्ड किया मोबाइल पे और अपनी तरफ से तो बेस्ट ही करने की कोशिश की और मैंने भेज दिया। फिर उसके बाद जो है एक हफ्ते बाद करीब मुझे जो है मनोरंजन का कॉल आया कि ये चीज़ जो है हो गई है अप्रूव ऑलमोस्ट। और जब मुझे बुलाया गया बैंगलोर में डबिंग जो है इस फिल्म की, सभी लोगों ने आपने जाकर वहाँ पर डबिंग की है, तो मुझे जब वहाँ से कॉल आया तो एक्चुअली मुझे उस वक्त कोविड हुआ था, तो हाँ, तो डॉक्टर ने कहा था कि आप अगले एक हफ्ते तक नहीं जा सकते बाहर। तो मैंने फ़ोन पे कहा कि अभी तो मैं नहीं आ पाऊँगी और मुझे अंदर से अफसोस भी हो रहा था कि ऐसा ना हो ये मौका चला जाए। कभी होता है कि बहुत अर्जेंसी में फिल्म पूरी कंप्लीट करनी होती है और मुझे अंदर से ये लगा ओ काश ये चीज़ मुझे मिल जाए। तो मैंने मनोरंजन से कहा कि ऐसा ऐसा है तो आप बात करके देखिए, तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है मैं बात करके आपको बताता हूँ। फिर वो चीज़ रह गई, मतलब ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा फिर मैं ये बताऊंगा बैंगलोर में ना हो कि अगर मुंबई में हुई तो आपको इन्फॉर्म करूंगा। मैं सॉरी आपको बीच में रोकना चाहता हूं एज एन आर्टिस्ट, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये जो सिचुएशन है बहुत ही खतरनाक होती है आर्टिस्ट के लिए। बिल्कुल ये सभी इस चीज से मतलब रिलेट करेंगे कि ये ना इस पार ना उस पार, मैं कर रही हूँ, मैं पता नहीं किसी और को कॉल गया होगा, कोई और कर रहा है, यार इतनी बड़ी फिल्म होगी अगर कौन सी है, अगर बताया है तो पता है तो और जान जलती है, अरे बड़ी फिल्म छूट गई, तो ये बहुत ही गजब सिचुएशन होती है, मतलब ऐसा मन करता है कि छुरी लेके कोरोना को इधर मारे खुद मरे या कोरोना, वो वाला मामला। बिल्कुल सही है। तो उसके बाद जो हुआ उसका एक महीना गुजर गया, मेरा कोविड भी ठीक हो गया और मैं उम्मीद कर रही थी अब शायद कॉल आए, मैं खुद नहीं पूछना चाह रही थी, मुझे लगा ऐसा ना हो कि रिप्लेस कर दी गई हो आवाज़ या कुछ ऐसे हुआ हो, तो अब उनके भी अपने यू नो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों को करना होता है वक्त पे। तो फिर उसके बाद जो एक महीना डेढ़ महीना गुजर गया और फिर मैं एक फ्रेंड की शादी में चंडीगढ़ गई हुई थी और 5-6 दिन का ट्रिप था मेरा, शादी अटेंड कर ली और नेक्स्ट डे जो है मुझे कॉल आता है कि आप जो है आ जाइए। और आप चंडीगढ़ में ही थी? मैं चंडीगढ़ में ही थी और मेरी टिकट 3 दिन बाद की थी वापसी की, फ्लाइट की ऑलरेडी हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि कल ही डबिंग करनी है और बोले मुंबई आ रहे हैं डब कराने। अब फिर से मुझे लगा कि ये मतलब फिर से वही बात हो गई और एग्जैक्टली बिकॉज मेरी पूरी प्लानिंग थी, शिमला के सारे बुकिंग्स हो चुके थे, मैं और मेरी फ्रेंड थे जो सारी बुकिंग्स कर चुके थे, वहाँ घूमना था, सब कुछ सब बुक हो चुका था। तो फिर जब ये बात सुनी तो मुझे ये कहा गया कि अगर हो सके तो आप कल की ही फ्लाइट टिकट जो है हम आपकी करवा देते हैं, आप आ जाइए और ये जो है हम चाहते हैं आप करें। तो फिर मुझे पता था ये फिल्म क्या है या नाम क्या है इस फिल्म का, तो तब मुझे मैंने कहा बिल्कुल अब ये मौका मैं नहीं गंवाना चाहूँगी। और उस तरह से जो है मैं फाइनली मुंबई आई और मुंबई में मेरी डबिंग की गई और एक्सपीरियंस तो बहुत प्यारा था, मतलब मैंने एक ऐसा नहीं कहूँगी, ऑफकोर्स श्रीनिधि शेट्टी के काफ़ी सारे सीन्स भी हैं, मतलब इंपॉर्टेंट सीन्स हैं एक्चुअली, मैं कहूँगी सीन्स चाहे कम हो लाइन्स कम हो लेकिन अहमियत बहुत है उन लाइन्स की और सीन्स की। तो सूरी साहब जो हैं, सूरी जी जो राइटर हैं वो थे, और तो डबिंग करते वक्त जो है मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि जहाँ उनको लगा कि मेरा टेक ज़रूरी है और लेना,
तो उन्होंने वो मुझसे लिया, चाहे 5 बार लिया हो चाहे 6 बार लिया हो, लिया। लेकिन जहाँ पर उनको लगा कि ये एक टेक मैंने दे दिया है, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अब लेने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सीन जो मैं कहूँगी, लास्ट में जो क्लाइमेक्स सीन है जहाँ पे गोली लगती है और वो यू नो मर जाती है, वहाँ पे वो जो पूरा सीक्वेंस था रिएक्शन देने का, पूरा एक एक टेक में मैंने कहा ऑन कर दीजिए, मैं सारी रिएक्शंस जो है दे दी जाऊंगी। और उसमें डायलॉग भी है लास्ट का, वो हम बिल्कुल जब बोलेंगे तो मैं बताऊंगी। वो मैंने सीन एक टेक में एंड तक, जब तक कि वो सांस खत्म नहीं हो जाती है, वहां तक दिया। क्या बहुत बढ़िया, मतलब आप जी। और उन्होंने कहा बस ओके, इसकी जरूरत नहीं है ओके ओके नहीं, ये ओके नहाने का बड़ा साबुन है, एक महीने तक चलेगा। इससे मैं दो बातें सीखा हूँ समय जी, सचिन जी, आज इनकी बात से, कि एक तो कोविड जैसी कोई भी बीमारी हो या कोई भी परेशानी हो, आप हार नहीं माननी चाहिए, है ना, इससे उबर कर इंसान आता है, सारी चीजें सही हो जाती है। और दूसरी बात ये सीखी मैंने कि जो भी एस्पायरिंग फीमेल वॉइस एक्ट्रेस हैं, उनको अगर कोई बड़ी फिल्म में डब करना है तो उनको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। बहुत ही मुबारक जगह है, चंडीगढ़ चले जाओ, काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच शगुफ्ता जी, बहुत ही बढ़िया जवाब। अब हम आते हैं हमारे समय जी ठक्कर जी, यानी कि सुनील राज ठक्कर की तरह। मैं इनके बारे में बता दूं, ये बहुत ही अद्भुत एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे वॉइस एक्टर आप सब जानते हैं, लेकिन इनकी ये बहुत अच्छे इंसान भी है। इनकी आवाज़ ना, आप जब रूबरू मिलेंगे तो पता चलेगा, इनकी आवाज़ ना जब ये बोलते हैं ना तो दीवारें थर्राती हैं। तो इतनी अद्भुत आवाज़ है, तो शानदार, जबरदस्त, दमदार जी। आपने KGF 1 में भी वो किरदार किया था, KGF 2 में भी किया, दोनों फिल्मों की जर्नी इनके साथ, तो आप अपने किरदार को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, स्पेशली कुछ अंडरलाइन करके, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स? बिल्कुल कहना चाहूंगा, वो जो किरदार है उसमें सटलिटी बहुत है, मतलब कहीं भी ओवरबोर्ड नहीं जाता वो जी। और सबसे अहम बात तो उनका जो, उनकी जो आवाज का जो टेक्सचर है उसको मैच करना, वो एक मेरे लिए चुनौती कह सकते हैं। लेकिन एक बार मैंने वो सुर पकड़ लिया तो फिर मुझे बड़ी आसानी हुई। और जब भी कोई अच्छा कैरेक्टर होता है उसको करने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेरा ऐसा मानना है। मेहनत वहाँ करनी पड़ती जब किसी ने बुरा काम किया है, बुरा एक्टर है, तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती जी। लेकिन कोई अच्छा कैरेक्टर जैसे बाहुबली में कटप्पा, उनको करने के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ ये है कि उनके आवाज़ को, अगेन आवाज़ और शब्दों को, वो बड़ा एक उनका एक अंदाज था बोलने का, तो हम लिप सिंक जो करते थे वो एक चैलेंज था, क्योंकि वो भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है जी। तो एक तो मैं तारीफ करना चाहूँगा मनोज मुंतशिर साहब की, जो जिन्होंने संवाद लिखे थे उसके, इतने खूबसूरत। ये फिलहाल हम बात कर रहे हैं मनोज मंत्रशीर साहब ने जो संवाद लिखे थे, वो बात कर रहे हैं बाहुबली की, बाहुबली Part 1 और Part 2 की जी। तो एक तो वहां आसानी हो गई, एक और बार हमारे लिए बड़ी आसानी हो गई, हमको ज्यादा डायलॉग्स बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक आध दो जगह कहीं जैसे कुछ मीटर में अगर छोटा बड़ा कुछ हो गया है तो उसको हमको थोड़ा सा उसको काट छाट करनी पड़ती, वो बड़ा नॉर्मल बात है। लेकिन हमको ये नहीं लगता था कि इसका कोई ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन हो सकता जी, जी। क्योंकि बेहतरीन लिखा था जी, मनोज साहब ने, तो ये बड़ा अच्छा हमारे लिए होता है डबिंग करते वक्त। उसी तरह ये जो किरदार मैंने किया KGF, तो उनका भी वही था कि ही प्लेड हिज कैरेक्टर वेरी नाइसली, ही इज सच अ ग्रेट एक्टर, तो मुझे ज्यादा मतलब एफर्ट नहीं करना पड़ा। हाँ ये है कि एक बार वॉइस इनके सामने हम लोगों ने जो ऑडिशन किया था वो मैच कर दी इनकी तरफ से, और इनके जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की टीम की तरफ से अप्रूवल आ गया, तो मैं समझ गया कि मुझे इस आवाज को मेंटेन करना है और इसी तरह मुझे करना है, दैट्स इट। बट मजा आया मुझे काम करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, मतलब इतना अच्छा अनुभव था कि बाहुबली के बाद नहीं था। सच में हर एक किरदार आपके बहुत
जान आ जाती है किरदार स्क्रीन अद्भुत और बड़ी हो जाती है। मैं ये शब्द इस्तेमाल करूँगा कि आपकी डबिंग से चीज़ फिल्म सीरीज और बड़ी हो जाती है। अभी इन्होंने जो कहा कि इन्होंने KGF 2 में जो किरदार डब किया है उस किरदार का नाम वनराम। तो मैं उनको यानी कि वो जो एक्टर है उनको खुद को मिल चुका हूँ। मैं जब बेंगलोर गया था KGF 2 की डबिंग के दौरान तो उनका नाम क्या है हम भूल गए हैं, माफ कीजिएगा। तो हमारी मुलाकात हुई उनसे, मैंने बात भी की उनसे और उनकी जो आवाज़ है समय जी मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही अद्भुत आवाज़ है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो भी एस्पायरिंग वॉइस एक्टर्स हैं, जो नए जो भी हैं ये क्राफ्ट के बारे में जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं, उनको एक बात बता दूँ कि वो जो एक्टर हैं कन्नड़ा एक्टर जिनको मैं मिला वो खुद एक वॉइस एक्टर है। वो डबिंग आर्टिस्ट है वो, और उनकी फैमिली में काफी उनके है ना, तीनों भाई है, तीनों ही वॉइस एक्टर, उनके तीनों भाई वॉइस एक्टर है, अद्भुत वॉइस एक्टर। उसी क्राफ्ट की मदद मिली उनको एक्टिंग में, जो समय जी ने बाकायदा फील की उस उनको स्क्रीन पर, है ना। तो ये चीज है, ये क्राफ्ट हमेशा हर चीज को और निखारता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। एक चीज मैं वॉइस को लेकर थोड़ा कहना चाहूंगा कि जैसे मैं, मेरी अभी बहुत जल्दी फिल्म रिलीज हो रही, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। जी जी, आज ही आज ट्रेलर जयेश भाई जोरदार, जो मैं फिल्म कर रहा हूँ उसका ट्रेलर भी आज ही रिलीज हुआ। मुबारक हो। जयेश भाई जोरदार में एक्ट कर रहे हैं, क्या बात, समय जी एक्टिंग कर रहे हैं। शालिनी पांडे के फादर, जो हीरोइन है, नई एक्ट्रेस है, रणवीर सिंह का ससुर बना हूं मैं, जो नई एक्ट्रेस है, जो लॉन्च हो रही मेरे ख्याल से, हां, उनकी 13 मई को रिलीज है फिल्म। तो मैं मतलब सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस फिल्म को जरूर देखें और वाकई एक मैसेज है उसमें, और कॉमेडी तो रणवीर सिंह साहब हैं तो कुछ कहने की बात ही नहीं, कॉमेडी के साथ एक मैसेज है और आप सब देखें। बढ़िया, देखिए ये संगम है वॉइस एक्टर और एक्टर। तो मैं वॉइसिंग को लेकर ये बोल रहा था कि मैं जब मेरा रابطہ होता था डायरेक्टर के साथ फोन पर या मैं पर्सनली मिलता था तो उन्होंने मेरी आवाज सुनी थी। उसके बाद सेट पर जाने के बाद उस किरदार में मैं जब मैं संवाद अपने डायलॉग्स बोलता था तो 5-6 सीन्स शूट कर लिए। उसके बाद में डायरेक्टर साहब ने मुझे पूछा कि यार एक बात आपसे करनी है। मैंने कहा बोलिए ना सर। तो बोले कि मैंने एक चीज़ गौर किया कि जब पर्सन या बात करते हैं तो आपका जो नेचुरल वॉइस है, जो टेक्स्चर है, बेस है, वो हम सुनते हैं, लेकिन जब आप वो कैरेक्टर जब डायलॉग बोलता है तो आपका बेस नहीं आता है, तो व्हाट इज़ द रीज़न। मैंने कहा सर देखिए क्या होता है कि हम लोग वॉइसिंग करते हैं और थिएटर मैंने किया है, चूँकि थिएटर में मुझे ये थोड़ी सी तालीम मिली है, थोड़ा बहुत सीखा मैंने, कि कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हर जगह आप अपने बेस का इस्तेमाल करें। अब ये कैरेक्टर है वो इतना कह सकते हैं कि हीरोइन का फादर है और वो इतना अग्रेसिव नहीं है और इस तरह का कैरेक्टर नहीं जहाँ पर मुझे अपने बेस की जरूरत। तो मैंने उस तरह से मैंने उस आवाज़ को मैंने यूज़ नहीं किया अपने बेस को और मैंने थोड़ा सा बेस कट कर दिया। तो बोले अमेजिंग समय, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने तारीफ़ की कि आई रियली अप्रिशिएट कि आप इस चीज़ को समझते हैं। तो मैं मतलब तमाम जो भी नए कलाकार हैं उनके लिए ये है कि आपको वेरिएशंस से खेलना है कि किरदार के हिसाब से आपको अपनी वॉइस का इस्तेमाल करना है। जो कैरेक्टर आप करते हैं आप अपनी वॉइस को उस तरह से इस्तेमाल करें। एक बार फिर से वही अनुभव उनका जो उनको एक्टिंग में भी काम आया, बहुत बढ़िया समय जी, थैंक यू सो मच। हम अपने हीरो की तरफ बाद में आएंगे, पहले दिग्दर्शक या हमारे कर्ता धर्ता, हमारे प्रोड्यूसर साहब, हमारे कोऑर्डिनेटर साहब, हमारे और क्या शब्द इस्तेमाल करूँ, दोस्त, हमारे हमारे मित्र, हमारे मित्र, हमारे भाई, अब वॉइस एक्टर भी हैं। इस फिल्म के लिए, इस फिल्म की डबिंग ज़्यादातर बेंगलोर में हुई, कुछ शहर में हुई कुछ किरदारों की, लेकिन ज़्यादातर बेंगलोर में हुई। तो वहाँ तक पहुँचाने वाले हम सब को वो है मनोरंजन दास। हमेशा मनोरंजन करवाते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं मनोरंजन जी। अब बीइंग अ प्रोड्यूसर, आपका खुद का स्टूडियो है, आप बहुत सारी फिल्में और अलग अलग प्रकार की चीज़ें डब करवाते हैं, है ना। जब इतनी बड़ी फिल्म
और आप लोगों को मैं बताऊं कि ये लॉकडाउन की वजह से ये इतना बड़ा ब्रैकेट बढ़ गया वक्त का, तो इतनी बड़ी फिल्म का वजन लॉकडाउन के दौरान भी कंधे पर रखना, और आप सबने अंदर से मतलब बाहर से हर जगह से सुनाई है कि ये फिल्म ने कितने कमाए करोड़ों, हिंदी फिल्म के वर्जन ने भी, हिंदी वर्जन ने भी कितने कमाए आपको पता है, तो वो पूरा जो दारूमदार उसको कहते हैं वजन, वो कैसे ये कहानी शुरुआत से अब तक की कुछ शब्दों में। मैं कहना चाहूँगा 2018 में मैंने KGF 1 देखा था, तो देखने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि कहाँ से पिक्चर मेरे पास आता। तो क्योंकि मैं OTT के लिए, नेटफ्लिक्स के लिए इनडायरेक्टली बहुत सारा काम कर चुका हूँ, लेकिन थिएटरिकल पिक्चर कभी नहीं किया था। लेकिन मुझे ऐसा था कि मुझे मिले, मुझे मौका मिले, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत लोग कह रहे हैं, क्योंकि मेरे को भी, मुझे पता है कि मैं भी कर पाऊँगा। तो मुझे 2020 में मुझे अचानक से कॉल आए अगस्त में कि हम हुम्बले से बोल रहे हैं, आप KGF 2 डबिंग हिंदी में आपको देना चाहते हैं जी। तो मुझे, मैं तो शॉक हो गया, मैं सॉफ्ट हो गया बेसिकली। खड़े थे तो बैठ गए, बैठे तो खड़े हो गए, चल रहे थे तो रुक गए। तो फिर बोला चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। फिर पहली बार बेंगलोर गया मैंने, बेंगलोर पहली बार ही गया था मैंने, हालांकि उससे पहले नहीं गया था। हालांकि साउथ इंडिया में मैं हैदराबाद गया था, चेन्नई गया था, केरला जाके आया, लेकिन बेंगलोर नहीं गया मैंने। तो बेंगलोर गया पहले तो था वो इधर अच्छा लगा, बोले चलो इधर काम करके मज़ा आएगा, तो इधर कुछ करते हैं। तो पहले हम स्क्रिप्टिंग के लिए बैठे, फिर बैठने के बाद मतलब मुझे, एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा हिंदी ना मेरा बहुत कमज़ोर है। जी जी जी, जैसे जैसे अभी आप सुन रहे हैं है ना, इनके ग्रामर में आपको कहीं 19-20 सुनाई देगा, वेस्ट बंगाल से अपनी अपनी भाषा की वो होती है, लेकिन जज्बात एकदम सच्चाई के साथ निकलता है, और वो भी एक खासियत है, खूबसूरती है उसमें भी। एक मिनट, प्रोड्यूसर साहब है तो तारीफ तो बनती है, अगली फिल्म में कास्ट होना है। तो अभी तो मुझे लगा कि भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन उन लोग का भी हिंदी उतना अच्छा नहीं है जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे वहाँ से। तो मैं, मुझे लगा कि फिर मनीष जी का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मुझे हेल्प किया। जी बिल्कुल, हम यहाँ नाम लेना चाहेंगे, मैं सॉरी बीच में आपको रोक रहा हूँ, लेकिन मनीष भवन जी जो आज आने वाले थे लेकिन कुछ वजहों से वो नहीं आ पाए, तो मनीष जी के बारे में भी कुछ चीज़ें बताइएगा और अपने बारे में प्लीज़। थैंक यू। मनीष जी को मैंने फ़ोन किया, मैं उनको बोला सर आपको आना पड़ेगा, मुझे हेल्प करना पड़ेगा, और डबिंग आर्टिस्ट है, फुल टाइम डब करते हैं। तो बोले मेरे तो मुश्किल है, क्योंकि बोले सर एक महीने तो कैसे ना कैसे हमारा डबिंग बंद करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा बैंगलोर। तो मुझे बहुत प्यार करते हो, मैं बोला तो ना नहीं बोले, बोले ठीक है मैं वो तो जो बोल रहे मैं करूँगा। तो उनको मैं लेके गया वहाँ पे, फिर हम लोग का डबिंग चालू हुआ, स्क्रिप्टिंग का काम चालू हुआ, फिर हम चीज़ों आगे बढ़ते गए, फिर आप सबका मदद से चीज़ें पूरा हो गया, और सबको इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, तो होपफुली आगे भी और बड़ा बड़ा काम करेंगे आप लोग के साथ। बस यही है, बस आप लोग फुल पावर, फुल पावर। रॉकी, अब हम आते हैं हमारे हीरो की तरफ, यानी KGF 1, KGF 2 के और KGF 3। हाँ, जैसे लोगों ने फिल्म देखी है सबको तो पता ही है KGF 3 भी आ रही है, लेकिन हमें नहीं पता KGF 3 में रॉकी पानी में डूब गया है ना, तो KGF 3 में है कि नहीं, तो वो तो ठीक है। इस बारे में बात ना करते हुए हम आते हैं 1 और 2 में। हीरो यश जी, हीरो की आवाज मतलब कितना, बहुत ही मतलब सोचना पड़ता है, कितनी जिम्मेदारी का काम होता है। सचिन गोले जो 2007 या 8 से डब कर रहे हैं, 2008 से है ना, 2008 से डब कर रहे हैं, अब इनसे पूछते हैं कि इन्होंने यश के किरदार के साथ कैसे रंग मतलब होली खेली। 2008 से मैं डब कर रहा था, और उस समय तो मुझे क्राउड के छोटे छोटे काम मिलते थे, क्योंकि मेरी शुरुआत थी उस समय की, और धीरे धीरे करते 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 फिर थोड़ा सा नाम होने लग गया, लोग बोलने लगे कि ये सचिन नाम का एक आर्टिस्ट है, तो बहुत अच्छा कर रहा है वो, और फिर वन लाइनर्स के लिए बुलाया जाने लगा, और फिर कुछ अंधेरे में कुछ कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो साउथ की फिल्में डब कराते थे, तो उनमें से कुछ लोगों ने, कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा जैसे रजनीका गांगुली और शकुंतलम स्टूडियो, ये सब लोग मुझे बुलाने लग गए थे उस समय डबिंग के लिए,
और फिर धीरे 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 छोटे छोटे कैरेक्टर करते करते फिर बड़े बड़े कैरेक्टर्स के लिए मुझे बुलाया गया। फिर ये सब डबिंग मेरी मोहन नायर जी ने देखी जी, जो डबिंग वेंडर्स हैं जी। तो उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया, अच्छा ब्रेक, एक आर्या जो फिल्म थी आर्या 2 जी, अल्लू अर्जुन की, तो उसमें उसके दोस्त का बड़ा कैरेक्टर मुझे मिला था डब करने के लिए। ये कब की, कौन सी ईयर की बात होगी? ये बात थी 2011 की, 2011 जी, जी जी। और फिर 2011 के बाद फिर उसके बाद वो खुद बोले कि सचिन तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं तुमसे हीरो डब कराऊंगा। और फिर अगली फिल्म कौन सी थी मैं नाम भूल जा रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर उन्होंने मुझे हीरो के लिए कास्ट किया। फिर धीरे धीरे ऐसे सिलसिला बढ़ता चला गया, साउथ की जो फिल्में थी वो मुझे एज ए हीरो डब करने के लिए मिलती चली गई। जी जी, मैं सॉरी बीच में रोकना हाँ। चाहूँगा, देखिए ये कुछ और मत सोचिएगा कि अरे यार डब किया ऐसे नाम कैसे भूल सकते हैं, लेकिन कलाकार हैं बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं, क्योंकि अपना किरदार उनके लिए ज़्यादा अहम होता है ना कि फिल्मों के नाम। और नाम जब आते हैं हमारे सामने तब वो तेलुगु, तमिल या कन्नड़ा या मलयालम में होते हैं, तो जल्दी से हमें याद नहीं होते, इसलिए इनको याद नहीं है, क्योंकि मैं भी तो एक नहीं, उसकी और एक वजह मैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि मतलब 1000 से 1100 के ऊपर फिल्में मैं डब कर चुका हूँ, सबके नाम ज़रा याद, सबके याद नाम याद करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा जी। और ऐसे करते करते एक रुद्रा ऑडियो वर्क जो प्रोडक्शन है, तो वहाँ पे यश की पहली फिल्म आई थी, सॉरी यश की पहली फिल्म आई थी मास्टरपीस, यस, वो फिल्म डब करने के लिए आई थी, तो मुझे मानो की तरफ से कास्ट किया गया और मैंने यश की वो फिल्म की डब। उसके बाद फिर यश की 4-5 फिल्में मैंने डब की, और उसके साथ साथ बाकी एक्टर्स की भी करता था मैं डब, और खास KGF के लिए मैं बता रहा हूँ। तो जब 2018 में KGF बनी और कास्टिंग जब चल रही थी, तो प्रोडक्शन तो सोच ही रहा था कि किसको कास्ट करे क्या करे, तो यश के साथ जब मैंने पर्सनली मीटिंग की थी, तो उस समय यश ने मुझे सारी स्टोरी बताई कि जब मैं अपनी आवाज़ के लिए हिंदी आवाज़ ढूंढ रहा था, तो उस समय मैंने अपनी मास्टरपीस फिल्म देखी, उसके बाद हार्ट अटैक, जिसको द लक्की नाम था उसका, लेकिन हिंदी वालों ने उसका हार्ट अटैक नाम रख दिया था। एक थी फिल्म रामाचारी और दूसरी चौथी फिल्म कराथीका, ये 4 फिल्में मैंने डब की थी, मुझे अच्छे से याद है। तो यश बोला कि मुझे यही वॉइस चाहिए, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने 4-5 वॉइस का ऑडिशन ले लिया था जी, जी। और फिर यश ने खुद प्रोड्यूसर्स एंड इन लोगों से कहा, डायरेक्टर से, कि सचिन जो है वही मेरी वॉइस के लिए परफेक्ट है, और इस तरह से मेरी कास्टिंग KGF के लिए। क्या बात है, मतलब ये बात होती है, देखिए सालों की मेहनत, 2011 या 12 में इन्होंने दो हीरो के दोस्त के लिए किरदार किया, लेकिन 2018 में जो फिल्म आने वाली थी उस फिल्म ने इनकी मतलब लाइफ ही बदल दी। और लोगों के लिए हार्ट अटैक बुरा होता है, इनके लिए बहुत ही बुरा होता है। हार्ट अटैक फिल्म का नाम है, फिल्म का तो बहुत बढ़िया। और KGF 2 के कुछ अनुभव बताइए कुछ, क्योंकि लॉकडाउन और बहुत ही लंबी हो गई ये फिल्म, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन के तौर पर जी। KGF 2 की बात तो ऐसी हो गई थी, लॉकडाउन मेरे ख्याल से 2020 में लग गया था, और उसके बाद फिर मुझे डबिंग के लिए फ़ोन आया, प्रोडक्शन से ही सीधे फ़ोन आ गया कि सचिन आप ही कर रहे हो डबिंग यश के लिए, और ऐसा है कि अभी लॉकडाउन इतना लंबा खींच गया है, तो हमें फिल्म अभी जल्दी से जल्दी रिलीज़ भी करनी है, तो आप एक काम कीजिए, सारा काम छोड़ के एक 10 दिन के लिए आप बेंगलोर आ जाइए। तो मैंने बोला सर इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं होगा, तो उन्होंने मेरी डेट ले ली उन्होंने, और एक हफ्ते के लिए उन्होंने मुझे बुला ही लिया वहाँ पर बैंगलोर में जी। और इस तरह से फिर सिलसिला शुरू हुआ डब का। अब इन बिटवीन ऐसा हुआ कि यश खुद बोले मुझे कि सचिन अब KGF 1 इतनी हिट हो चुकी है, तो KGF 2 की डबिंग के लिए मैं खुद तेरे साथ बैठूंगा, और साथ साथ में प्रशांत नील जो डायरेक्टर हैं उनको भी अपने साथ में बिठाऊंगा, तुझे थोड़ी सी तकलीफ होगी करने में डब, लेकिन क्या करें अब बहुत ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल, ये तकलीफ मैं शब्द नहीं कहूँगा, क्योंकि विजन होता है, डायरेक्टर का विजन होता है, एक्टर की मेहनत होती है सालों की, डायरेक्टर की, तो ये उनका नज़रिया होता है, उस नज़रिए को इनकी आवाज़ के जरिए लोगों तक पहुंचाना वो एक प्रोसेस है, उसको तकलीफ नहीं कहेंगे हम लोग मेरे ख्याल से, तो बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है वो जी। एग्जैक्टली, और फिर उसके बाद डबिंग स्टार्ट हुई, फिर कुछ कुछ डायलॉग्स ऐसे थे जो शुरू शुरू में डायलॉग डिलीवरी जो मैंने की उस समय मुझे तो लगता था कि सही है, लेकिन प्रशांत नील जी बोले नहीं भाई इसमें और एक करते हैं, फिर और एक करते हैं और एक करते हैं, तो ऐसे हर टेक के ऐसे पकड़ लीजिए कि 12-15 रीटेक तो वो ले ही लेते थे, और इसके लिए इतना समय लग गया। तो फिर बाद में प्रशांत नील जी बोले कि सचिन आराम से काम करेंगे, एक दिन में एक ही रील करेंगे, भले ही 2 दिन लग जाए चलेगा, 1 हफ्ते का टाइम लिया है तू वापस चला जा, अपना सारा काम करके वापस आ जा, लेकिन जिसको जो करना है अच्छे से करना।
और इस तरह से प्रोडक्ट निखर के आ गया बाहर। राजू जी, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी और मैं सबको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि राजू जी ने हम सबका परिचय दिया है, लेकिन ये खुद भी एक बहुत ही बेहतरीन और नामी आर्टिस्ट हैं और KGF 2 का ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इन्होंने भी बहुत बेहतरीन काम किया है, तो हम इनसे भी पूछना चाहेंगे कि आप अपने कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करें, सिर्फ KGF नहीं, आगे की भी जो आपकी कुछ फिल्में हो, जैसे साउथ की बहुत सारी फिल्में आपने भी की हैं, और KGF को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? बहुत बढ़िया, ये तो जैसे अभी किया है मौसम जी ने, इसको हम बचपन में कहते थे, मैं बैटिंग कर रहा था, मेरे हाथ से बैटिंग की गई। अच्छा एक मिनट माफ करना, KGF में इनको बिल्कुल आसानी हुई करने में। अच्छा क्यों, वजह पूछिए क्यों? क्योंकि ऐसा लगा मुझे फिल्म में देख करके कि कुंभ के मेले में दो भाई, वो बिछड़ा हुआ भाई तो नहीं। अच्छा मुझे भी बिल्कुल हूबहू इनका हम शक्ल। अच्छा गलत कह रहा हूँ? नहीं, इन्होंने सही कहा। मैं अगर वो हेयर स्टाइल, वो बड़ा वो लुक है, वो तो लुक बना दिया। हाँ वो कर लूँ तो मैं लगूंगा तो बिल्कुल, मतलब मुझे ये धोखा मिला, ये राजू को मतलब डबल लॉटरी, मतलब ये नहीं है कि बोनस, मतलब एक्टिंग भी करवा ली और डबिंग भी करवा ली। नहीं नहीं, मैं आपको थैंक यू सो मच उसके लिए, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये वही मामला है जो शगुफ्ता जी के केस में था, कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो कहीं नहीं जाता, कि मैं KGF 1 का हिस्सा नहीं था, मैं KGF 2 का हिस्सा बना, वो भी KGF हिंदी भी लगभग तैयार हो चुकी थी, सेंसर भी लगभग हो रहा था या हो चुका था, वो वाला स्टेप था, तभी कुछ वजहों से किरदार की आवाज़ बदलनी पड़ी और वो आवाज़ मनोरंजन ने मुझे चुना, तो उसके लिए थैंक यू मनोरंजन, मुझ पर यकीन किया, मेरी कलाकारी पे यकीन। बहुत अच्छा किया, बहुत लाजवाब, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा किया। क्लाइमेक्स के वक्त तो वही जो आपकी आवाज गूंजती है उस डायलॉग की, मॉन्स्टर। थैंक यू सो मच। तो ये फिर से एक बार वही करूंगा कि ये टीम वर्क है, और उसके जैसे मुझे डायरेक्टर ने गाइड किया, सूरी सर ने गाइड किया, सब ने, तो उसके बिना तो काम होता ही नहीं है, तो थैंक यू सो मच मौसम जी। मैं वापस बैट ले लेता हूँ, बैटिंग करने के लिए। तो कुछ डायलॉग्स हो जाए अगर, कुछ कुछ जिनको याद हो, आमतौर पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों को डायलॉग याद नहीं रहे। हाँ बिल्कुल। हम लोग पढ़ के डब करते हैं फिर भूल जाते हैं, तो कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए अगर, काउंटर में आ जाए या बन जाए तो भी मजा आएगा। ड्रामा एनीथिंग, अगर सेम डायलॉग ना हो, उस किरदार के मूड में रहकर कुछ भी एनीथिंग। बिल्कुल, मुझे KGF 1 का एक डायलॉग याद है और जो मुझे बहुत पसंद है, जो रॉकी से बचपन में कहती है उसकी माँ, कि अगर तुम में हिम्मत है कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हो जाए तो तुम सिर्फ एक जंग जीत पाओगे, लेकिन अगर उन 1000 लोगों में हिम्मत है कि वो तुम्हारे पीछे खड़े हो जाए तो तुम पूरी दुनिया जीत। इसका डायलॉग तो वैसा नहीं है, इसका फिर KGF 2 में है कि जो चाचा है वो पूछते हैं कि क्या चाहिए रे तेरे को, तो फिर वो जख्मी हालत में होता है और बोलता है कि आज भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था, मतलब बचपन में मैं बोला था कि मुझे दुनिया चाहिए, तो वही चीज उसने कायम रखी है। क्या बात है। सो क्लाइमेक्स का मुझे अगर सचिन को याद हो, क्लाइमेक्स में जो सीन आता है ना, वो ये बताने आती है जो प्रेग्नेंट होती है, कि वो बताने की कोशिश कर रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर वो किसी और तरीके से बताने की कोशिश करती है, और वो बहुत ही मुझे बहुत ही क्यूट लगा वो सीन एक्चुअली, और जिसने भी फिल्म देखी तो यही कहा कि बहुत प्यारा सीन था वो इमोशंस में। तो वो ऐसे आती है और उसको आवाज़ लगाती है कि जो भी भला होने वाला हो वो सिर्फ तुम्हारा हो, तुम्हें लगने वाले सारे पाप सिर्फ मुझे लगे। वाह क्या वजन है इस लाइन में, और गोली इनको लगती है। हाँ, तो वो उस तरह से
भगवान सुन लेता है, सुन लेता है भगवान, इनका प्यार सच्चा है और वही सच्चाई जो दिखती है सुनाई देती है इनकी आवाज में, बहुत बढ़िया होती है और बहुत अच्छा जी। और उससे उससे जस्ट पहले जो प्रेग्नेंट होती है रीना, तो कोशिश करती है बताने की रॉकी को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलना चाहती है वो। तो रॉकी जा रहा होता है और ये आवाज लगाती है कि बस सुनो, तो रॉकी बोलता है कि क्या हुआ, तो मेरा है कि मेरी तबीयत खराब है। कोई बात नहीं, डॉक्टर को दिखा दो, घर पे जाके आराम करो। क्या बात, क्या बात? मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता। क्यों, जो महाराज है वो ठीक से खाना नहीं बनाता? अरे फातिमा अम्मा ने जोर से चलने को मना किया है। अरे तो धीरे से चला करो। मेरा सिर्फ आम और इमली खाने का मन कर रहा है। तो पूरा पेड़ ही ला के दे दूंगा, खाओ दिन भर बैठ के। देखिए ऐसे पूरे सीन बनते हैं सिर्फ यहाँ वॉइस इंडस्ट्री के कहर में। बहुत बढ़िया। समय जी आपका डायलॉग। ओके, पहले मैं करुणा के लिए पहरा देता था, अब मैं तुम्हारे लिए पहरा दूंगा। लेकिन सारा प्लान मेरे हिसाब से चलेगा, ऐसे कुछ तो बोलता है वो। हाँ, लेकिन सारा प्लान मेरे हिसाब से चलेगा। वाह, इंसान ऐसे बेस के साथ बोले ना, हाँ भाई तू भाई मैं कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं और इस सेगमेंट का नाम है कड़वा सच। अच्छा, कड़वा सच, ठीक है। तो कड़वा ही होता है। हाँ, तो आपको बताने हैं इसके जवाब। okay. और एक के बाद एक नाम लूंगा मैं, आप सच बताएंगे, ठीक है? आपको यकीन है कि सच्चाई बोली जाएगी उस बात? जी जी जी, हाँ हाँ बिल्कुल। हम दोनों भाई, हमारी किडनियां एक है, ठीक है। ज्यादा रिटेक्स कौन देता है? ओके, पहले नाम लूंगा मैं, शगुफ्ता जी। नहीं, अरे वाह, एक नंबर आर्टिस्ट। मौसम जी तो रिटेक्स लेती होंगी। एक होता है रिटेक्स लेना, एक होता है रिटेक्स देना। हाँ, मतलब मुझे रिटेक्स देता है। रिटेक्स लेना बड़ा मतलब ये एक होता है परफेक्ट लेना, एक होता है देना, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा वापस करूंगा। सेटिस्फेक्शन नहीं होता जब तक तसल्ली नहीं हो। इतना जो आर्टिस्ट है मतलब इंडस्ट्री का टॉप आर्टिस्ट है, आप भी है उसमें से, तो आप लोग को रिटेक्स का जो आप लोग वांटेड आर्टिस्ट है, लेकिन आप लोग ऐसा है कि हम किए लेकिन नहीं, और 10 बार करेंगे और सीन को और जान देंगे उस पर, जान डालेंगे। सच बोल, मौसम जी उस तरफ देखिए, आप डरा रही है मनोरंजन। नहीं नहीं, मौसम जी रिटेक्स लेते हैं, रिटेक्स समय जी रिटेक्स लेते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सचिन बोले रिटेक्स, वो तो रिटेक्स लेते नहीं, खाली देते हैं, लो जितना चाहिए लो, रख लो। मैं मान लेता हूं, गांव लेके जाओ। मैं सबसे ज्यादा रिटेक्स, आप बोलते गांव लेके जाओ, बंगाल लेके जाओ, मतलब ठीक उधर ही मार दूंगा गांव में, ठीक है। बड़ी डायरेक्टर साहब ना, ये भी बहुत ही डिप्लोमेटिक रहे, लेकिन मैं रिटेक्स ज्यादा लेता हूं। यहां पे ये जवाब मिल गया आपको। वैसे ये कड़वा सच नहीं, मीठा सच था, मीठा तरह से जवाब मिला। ज्यादा फंबल कौन करता है? सब अच्छे आर्टिस्ट हैं, फंबल करने वाले आर्टिस्ट है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे भी जवाब नहीं देना चाहते, मैं हूँ फंबलर नंबर वन। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग सब फंबल होते हैं कहीं ना कहीं। कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे स के साथ श है, जुड़ गया है, तो हो जाते हैं। हाँ, टंग ट्विस्टर हो जाते हैं, फास्ट बोल, बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा होता है मेरे ख्याल से कि डायलॉग्स लंबे होते हैं और हम सोचते हैं कि स्क्रीन पे देखे यहाँ, उस चक्कर में भी कई बार फंबल हो जाता है। वो तो नेचुरल है, उतना होना ही चाहिए। अभी अभी कुछ सवाल है, दिन का कौन सा समय सबसे बेस्ट मानते हैं आप डबिंग के लिए सचिन? अगर ऐसे देखा जाए तो सुबह में 8 बजे का समय सबसे बेस्ट मानता हूँ। ओके, समय जी आप? मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ कि सुबह का वक्त जो होता है कि आप रात भर आपने आराम किया है तो आपके गले को बड़ा आराम मिला हुआ है, और सुबह जो 9 बजे से लेके 11 बजे 12 बजे तक आपकी आवाज़ बहुत ही फ्रेश होती है, तो उस दरमियान आप एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन जब आप ट्रेंड हो जाते हैं, आप करना शुरू कर देते हैं वक्त के साथ साथ, फिर आप इतने वो हो जाते हैं कि आपको किसी भी वक्त, आपको रात को कभी उठाकर भी कोई बोले कि भाई डबिंग करनी है, तो आप थोड़ी देर में फ्रेश होकर आप डबिंग करना शुरू कर देते हैं। तो एक डबिंग आर्टिस्ट के लिए तो भाई हम तो योद्धा है हमेशा। हाँ, शुरू हो जाते हैं, मतलब दार पाए कोई ऐसा वक्त। इसमें दो बातें मैं कहना चाहूंगी।
कि एक तो ये है कि सुबह सुबह मेरे लिए सही नहीं वक्त है क्योंकि मैं सोकर ही उठती हूँ 9-10 बजे, तो कोई भी डबिंग मैं 12 के पहले नहीं रखती हूँ। एक तो ये है, मैं अभी देखिए आप खुद ही एक्सेप्ट कर रही हूँ। शगुफ्ता जी की अंदर की बात पता चली, ये सोती कब है उठती कब है। तो मैं सबको पता है कि शगुफ्ता सुबह सुबह नहीं आएगी, 12 के बाद ही रखेंगे आप डबिंग। लेकिन KGF 2 के लिए मैं 10 बजे शाम बांद्रा पहुंच गई थी डबिंग के लिए, ये बात भी सच है। सेकेंडली मेरे लिए ये फीडबैक मिला है मुझे कि रात के 2 बजे भी कोई मुझे फोन भी करता है ना, तो मेरी एनर्जी इतनी हाई रहती है कि किसी को मतलब सब हंसने लगते, फुल पावर सब हंसने लगते कि कैसे पॉसिबल है, दिन भर काम करके सब करके हाउ कैन यू साउंड सो फ्रेश, इतनी एनर्जी कहाँ से लाती है। बढ़िया, 2 बजे रात को भी बहुत बढ़िया। तो मेरे साथ कुछ ऐसा है। मॉर्निंग में जो है ना मर्दों के लिए मतलब मेल आर्टिस्टों के लिए क्या होता है कि बेस जो चाहिए। जी मेजॉरिटी हम सब हमारा जो काम है वो बेस वाला होता है, जैसे इनका इनकी भी स्पेशलिटी है कि भाई ये हीरो करते हैं, मैं भी उस तरह के कैरेक्टर्स करता हूँ या विलन करता हूँ, मेरा तो बेस की जरूरत होती है। और आप अरे चेहरे आप तो बहुत मेरा तो बेस इस्तेमाल करता ही नहीं, चाहते हैं आपकी तारीफ करूँ तो फिर आप नहीं मैं कुछ कहूंगी यहाँ पे। कई बार हम लोगों को जैसे फोन आते हैं प्रोड्यूसर के, ऐसे स्पेशली मेरे ख्याल से फीमेल आर्टिस्ट हो, तो वो कहते हैं कि हीरोइन की डबिंग है तो आप सुबह आ जाओ। अब मेरा वैसा है कि अब मैं हीरोइन भी करती हूँ, अब मैं सास भी करती हूँ, मदर करोड़ों फिल्म में कमाने नहीं वैसा नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि देखिए अगर आप सुबह आएंगी तो अच्छा है, और अगर चुड़ैल उड़ैल टाइप तो वो कहेंगे सामने से कि आप या तो घर जाते वक्त कर लो। तो मैं भी वही सोचती हूँ कि अगर भूत भूत की कोई डबिंग करनी है वैसा कुछ टाइप, तो मैं घर जाते वक्त करूँ ताकि अगर गला खराब भी हो रहा है तो वो सुबह तक ठीक हो जाए। लेकिन कई बार हम सबको पता है कि हमारे पास चॉइस नहीं होती, टाइम जो हम चाहें वो नहीं दे सकते, तो फिर जो टाइम मिलता है उस टाइम पर ही हम हमारा बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। 100% इस बार से मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप लोग सोचते होंगे यार आर्टिस्ट की लाइफ क्या होगी, कैसे रहते हैं, क्या कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, क्या उनका रुआ, क्या ठस्सा। लेकिन यहाँ देखिए उनको मतलब जो भी किरदार सामने निभाना पड़ता है, जब प्रोड्यूसर कहे तब निभाना पड़ता है 24/7 365 days। फुल पावर आर्टिस्टों के लिए ताली बजाएं। डायरेक्टर से मतलब डायरेक्टर्स अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा बहस कौन करता है हम में से? सब कर रहे हैं, 1, 2, 3 कौन? मनोरंजन जी आप बताइए, नहीं तो मैं बता दूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ। देखिए यहाँ ये कड़वा सच बाहर आ रहा है, ध्यान से। मौसम जी बताइए। मैं बताना चाहूंगी उस आर्टिस्ट का नाम, मेरे फेवरेट आर्टिस्ट है, हम सबके आर्टिस्ट है, लेकिन बहस नहीं कहूंगी, शायद उनको जो ठीक लगता है वो अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, जो प्रोजेक्ट होता है उसके बेटरमेंट के लिए। तो वो हमारे समय जी हैं। लेकिन समय जी, ये मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, इसे आप गलत तरीके से तो नहीं लेकिन मैं समझ सकती हूँ। चलिए मैं खुश हूँ कि एक सही जवाब मिला मुझे। थैंक यू मौसम जी। और जो स्क्रिप्ट है वो जो लिखा है वही पढ़ डालती हूँ या फिर इसको मैं सुधारना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये कौन करता है? मुझे लगता है ये हर कोई करता है, हम सब में फिलहाल जितने आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, क्योंकि हम खुद से हमें ये मतलब लगता हम है कि गलत बोल के नहीं जाएंगे। हाँ जी, जी। हम बिल्कुल उस वक्त सुधार करते हैं, ग्रामेटिकली चाहे हो, चाहे हमें भाषा वो सही नहीं लग रही हो, हिंदी स्पेशली लगता है कुछ गलत जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बात है। या फिर ऐसी सिचुएशन में दो तरह के टेक दिए जाते हैं, एक तो सुधार के और जो लिखा है वही, ये भी ले लीजिए आपको अगर ऐसा। राजू भाई मैं सॉरी, आप कुछ जरूर कि आज हमारे हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो उनमें से हर, जैसे श्रोता जी ने कहा कि सभी ये करते हैं जी, चेंज करना बनता है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आप तो कैरेक्टर में इन्वॉल्व हैं जी, जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपको एहसास हो जाता है कि नहीं यार ये लाइन यहाँ पर रेलेवेंट नहीं है, तो उसके लिए हमको कुछ बेहतर लाइन सोचनी चाहिए, ये सबका फर्ज है, हमारा ये फर्ज है। तो उसमें आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर, आपका फर्ज है उसको आप निभा रहे हो, और उसके बाद में जब वो कैरेक्टर इतना खूबसूरत बन के निकल के आता है और जो एप्रिसिएशन आपको प्रोड्यूसर की तरफ से, जो भी आपके डबिंग डायरेक्टर्स हैं वो बाद में आपको मैसेज करके आपको वो जो मुबारकबाद देते हैं जी, कि वो आपका कैरेक्टर इतना खूबसूरत लग रहा है,
तो वो जो खुशी होती है, और आज अगर हम लोग इस तरह के होते कि हम लोग बहुत बहस करते हैं, हम लोग सुनते नहीं है, तो हम लोग कब के आउट हो चुके हो जी जी इंडस्ट्री से, ये बहुत फैक्ट है। सही बात है। तो आज आप जो भी कर रहे हैं, आप अगर उस वक्त लड़ाई भी हो जाती है, वो छोटी सी प्यार वाली लड़ाई होती है, नहीं यार आप एक बार मेरा टेक देखो जी, और उस वक्त आपको वो मान जाते हैं कि चलो ठीक है आप कर लो हम देखते हैं, और फाइनली हमने देखा कई बार कि वो टेक रखा जाए उनको एहसास हो जाता। और वो देखिए कुछ एक लोग होते हैं जिनको ईगो बड़ा प्यारा होता है उनका, वो चंद है आप उंगली पे गिन सकते हैं, बाकी ज्यादातर लोग हैं जैसे कि मैं नाम अभी क्या सबके बहुत, आपको काम मिलता है तो इसका मतलब ये है कि आप पसंद किए जा रहे हैं, आपका काम पसंद है और आपकी बहस भी प्यारी लगती है उनको और वो एक्सेप्टेड है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से देखिए जैसे कि जहाँ कॉमेडी की बात आती है तो राजू जी बेहतरीन लाइंस बनाते हैं, तो आप खुद भी तो कितनी बार हाँ। मेरे ख्याल से लाइंस आपकी होती हैं कॉमेडी फिल्मों में, या स्क्रिप्ट को जरूरत ही नहीं पड़ता है, आपकी ही होती है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप बहुत बेहतरीन लाइंस वन लाइनर। वो सारा का सारा श्रेय देता हूँ मैं उन एक्टर्स को जो मुझे स्क्रीन पे दिखते हैं, उनकी वजह से मुझे सूझता है। बिल्कुल और वो क्रिएटिव डिबेट होता है, जो भी हम झगड़ा नहीं कहेंगे है ना, तो वो ये चीज हो जाती है। हर चीज में बहाने कौन मारता है कि नहीं नहीं यार लेट हो गया, नहीं जूता टूट गया, नहीं लिफ्ट खराब थी, नहीं गाड़ी खराब है, नहीं पंचर हो गया, ट्रैफिक हेडेक है यार, अरे बारिश आई मेरे घर से खिड़की से इतनी बारिश आई घर में पानी भरा यार, समय जी ये तो बात है, नाम ही काफी है यार, नाम ही समय है तो समय तो यार समय ही होगा जी, शायद कई लोग कहते होंगे कि नाम है समय, लेकिन समय पे आते ही नहीं, लेकिन उसकी भी वजह बता रहा हूँ, उसकी भी वजह बस यही वजह, उसकी वजह ये है कि मनोरंजन की डबिंग में जाने से पहले अगर मान लीजिए राजू जी ने मुझे बुलाया है किसी काम, अब हम दोनों क्रिएटिव है, अब दोनों यार मजा नहीं आ रही, एक और करते हैं, अच्छा कुछ सोचते हैं, कभी कभी अटक गई सुई, दोनों कह रहे हैं सोचते हैं अच्छा ये छोड़ देते सीन, अगले सीन पे जाते हैं जी, अब हम चले गए अगले सीन पे, चौथे पांचवे पे चले गए, उसके बाद में लौट कर आना है वो पहले वाले सीन पर, अब उसके बारे में विचार विमर्श हमारे आपस में होते हैं, फिर हम सीन को क्रिएट करते हैं प्रॉपर तरीके से, उसको हम काम करते हैं। तो अगर राजू जी ने मेरे 3 घंटे लिए हो, 3 घंटे की जगह 5 घंटे हो जाए, हम घड़ी की तरफ देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो और पता चला कि 3 बजे मुझे मनोरंजन के यहाँ पहुंचना था, 4:30 तो यही बज गया, अचानक घड़ी की तरफ ध्यान गया, पता चला मनोरंजन और भाई कहाँ पहुंचे, बोले पहुंचा अभी तो यही हूँ, तो ये वजह बेशक, मतलब दैट इज द रीजन, और मैंने कभी ये बहाना नहीं किया कि मैं ट्रैफिक में फंसा था या मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, मैंने कभी बोला, मैंने शराफत से बता दिया कि भाई वहां मैं तो नए नए बहाने आजकल लाता हूँ, क्योंकि अभी मार्वल्स ने डीसी ने सुपर हीरो ने इतना, मैं तो कहता हूँ कि मेरी गाड़ी एलियन उठा ले गया मैं ऐसे बहाने आजकल चाहिए तो डबिंग करते वक्त सबसे ज्यादा ब्रेक कौन लेता है किसी भी बात से, फोन आ गया मेरा एक मिनट एक मैसेज करना है, एक मिनट वाइफ को फोन कर लेता हूँ, अरे बाथरूम जाके आता हूँ, सिगरेट भी गया तुम कुछ खाए क्या ब्रेक, तो किसी भी बहाने से ब्रेक मैं बोलना चाहूंगा रॉकी सचिन गोले मैं वही सोच रहा है हीरो है और हीरोगिरी क्यों नहीं है नहीं एग्जैक्टली वो ब्रेक नहीं लेता है, उनको इतना फोन आता है कि उनको ब्रेक लेना पड़ता है ऐसा, क्योंकि पूरा इंडस्ट्री से उसको फोन आता है, 1 घंटे में 100 फोन आता है उसको, तो काम सबसे ज्यादा व्यस्त कलाकार नहीं, फिर ऐसा है कि अगर फोन आए और हम ना उठाए तो वो बेचारे बार बार करते रहेंगे और हम उठाएंगे नहीं, तो फिर ऐसा लगता है कि अरे क्यों नहीं उठा रहा है, क्या हो रहा है, सही बात, फिर कभी कभी मजबूरी हो जाती है कि बाबा उठा के मैं बात कर ही लेता हूँ थोड़ा सा जी, मतलब नॉर्मली तो हर आर्टिस्ट का फोन जो है वो साइलेंट मोड ही जी चला जाता है और साइड में रख देता है, ये एक और पॉइंट, यहाँ प्रोफेशनलिज्म जो दिखता है वॉइस एक्टर्स का, साइलेंट मोड पे होता है फोन, ओके और कान का झुमका भी खोल के रख देते ताकि माइक में आवाज ना पड़े करेक्ट करेक्ट आई एग्री, मैं सिर्फ मनोरंजन के स्टूडियो में साइलेंट पे नहीं रखता, बाकी सब जगह पे मेरे साथ ये इयररिंग्स झुमको वाली, क्योंकि मुझे बहुत शौक है कान के जो झुमके वो पहनने का, तो हमेशा मैं जाते ही उतार के स्टैंड पे, कई बार भूल भी जाती हूं, क्या बात, मेरा पुराना सुनने में बहुत झुमका था, मैं बोला किसका, क्या है जैसे जो एक्सेसरीज होती हैं हमारी, घड़ी है ये है वो,
तो वो सब चीजें तो चलो हमने उतार के रख दिया जी। लेकिन कभी कभी कपड़े आपके ऐसे होते हैं जैसे शर्ट वगैरह पहन के जाते हैं, तो उसमें भी बड़े बड़े स्टूडियोज हैं जैसे यशराज है या एम्पायर स्टूडियो है, ये इनके माइक्स और इनके स्टूडियोज इतने बेहतरीन होते हैं कि वो बहुत सेंसिटिव माइक्स होते हैं, 5-5, 6-6 लाख रुपए के माइक्स होते हैं। तो उसके लिए फिर पीछे से आवाज आती है, सर आपका वो शर्ट का रसल आ रहा है, तो अब मैं क्या शर्ट उतार के रख दूं? तो ये बड़ा उसमें फिर हमको ना बड़े ऐसे करके परफॉर्म करना पड़ता है, मतलब यूं बिल्कुल यू नो आप ये जो भी है आप जो अग्रेसिव होके नहीं कर सकते एक्टिंग करनी पड़ती है, तो एक्टिंग से बचना पड़ता है, फिर उस वक्त आप बॉडी लैंग्वेज अपनी नहीं यूज कर सकते, बिल्कुल एकदम स्टैटिक होके तेरा खून पी जाऊं मैं तेरा खून पी जाऊं ये नहीं कर सकते आप, है ना? तो ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग होता है आपको। मेरी तो आदत है कि मैं मतलब मैं एक्टिंग भी करता हूँ, मतलब साथ में सभी करते हैं अक्सर, मैं सभी एक्टर जो है वॉइस एक्टर है रियल में जो एक्टर्स है वो करते हैं एक्टिंग, तो उस वक्त फिर हम बड़े फंस जाते हैं। आपको साउंड इंजीनियर साहब को कहना चाहिए कि सर मेरे शर्ट की नसल ही ऐसी है कि रसल आएगा, हम क्या नसल क्या बात है यार, क्या बात। देखो ये होता है कॉमेडी, मैं वही तो कह रही थी अभी, इनका ये इनकी खूबी है स्पॉन्टेनिटी, इसीलिए मुझे कास्ट करते हैं, बाकी आर्टिस्ट तो ओके हो गया। तो मेरा तो मन चाह रहा है, खुदक रहा है अंदर से फेफड़ा कि मैं अद्भुत डायलॉग है जो चारों तरफ गूंज रहा है उस सुने और उसी इंटेंसिटी और उसी डेप्थ के साथ पब्लिक डिमांड पर। वॉयलेंस 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 आई डोंट लाइक इट आई अवॉइड बट वॉयलेंस लाइक्स मी आई कांट अवॉइड। मेरे थिएटर में भी सीटी बजी, मेरी तो हवा ही निकल रही है, डब कर दूंगा ना टेंशन। ये चीज मुझे सीखनी है पता है, क्योंकि हमेशा डब में होता है ना, कभी फीमेल भी सीटी बजाती है, हमेशा मैं कहती हूँ मेरा ये पार्ट किसी और से करवा लेना, आई विश कि मुझे सीटी बजानी आ जाए। वो बात नहीं होती है, ओरिजिनल जो होती है वो ओरिजिनल होती है। तो फुल पावर गाइस KGF 2 जो धमाका हुआ है, उम्मीद करते हैं उससे बहुत बड़ा दुगना 3 गुना 10 गुना 100 गुना धमाका KGF 3 में हो। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया KGF 2 को, KGF को, KGF ब्रांड को। इसी वजह से मैं प्रेरित हुआ कि मैं हम लोग सब साथ में ये करें, कुछ एपिसोड बनाएं, कुछ नया करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ में साथ देंगे, प्यार करेंगे। और एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मनोरंजन समय जी, मौसम जी, शगुफ्ता जी और हमारे हीरो सचिन को लेना, और स्पेशली राजू आपने जो ये कोऑर्डिनेशन दिया है ये सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि हर कोई इतना बिजी है आर्टिस्ट, हर कोई अपने अपने हिसाब से, लेकिन आपने 2 दिन पहले से सबको टाइम बताना, अपडेट करना, इनफैक्ट ये तक अपडेट करना कि अभी 8:30 पहुंचना था लेकिन नहीं अब 8:45 आओ, तो ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला और प्रोफेशनलिज्म और एक कुछ करने का एक पैशन जो होता है ना चीज़ों करने, खुशी मिलती है, वो आपने किया। ये पागलपन जुनून की फिल्म के हीरो यश यानी कि सचिन गोयल हैं, मैं चाहता तो हम दोनों बैठ के कहीं कर सकते थे, लेकिन जो टीम है उसका जो मैजिक होता है वो तो फिल्म आप देखकर ही समझ गए होंगे। तो मेरा यही मानना है कि टीम को साथ लेकर चले, ना सिर्फ एक फिल्म में, एक वेब सीरीज में, एक सीरीज में, एनिमेशन में, हर जगह टीम काम करती है। तो फुल पावर वॉइस इंडस्ट्री को और फुल पावर वॉइस इंडस्ट्री के कहर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।